रख लेंगे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शबाज़ साहब ये बताएं, सियासत तो आपने कॉलेज लाइफ में शुरू कर दी थी, मगर उसके अलावा भी कोई शौक रहे जो आपने कॉलेज लाइफ में या कॉलेज लाइफ के बाद, जिसे कहते हैं हॉबीज या कोई पर्सनली अपने लिए कुछ? जब आप टोटली फील्ड में आ गए हैं तो मेरा टोटली आपके पास टाइम कम होता है। मगर शबाज़ साहब कैसे हो सकता है, दिस गॉट टू बी समथिंग जो आप अपने लिए करते हो, चाहे किताब पढ़ना हो कुछ हो। मैं कहता हूं देखिए, सुबह में निकलते हैं डेली हल्के में, खुशी गमी हर चीज करनी होती है, ठीक है। तो अगर आपने ईमानदार से काम करना तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। अगर मैंने जाने किसी के पास नहीं पब्लिकली जाना तो फिर टाइम ही होगा मेरे पास। इस तरह तो शबाज़ साहब फैमिली वाले बड़ा आपको हर वक्त कहते होंगे। डिस्टर्ब होती है जब आप सियासतदान होते हैं, तो आप फुल टाइम नहीं दे सकते फैमिली को। देखे ना, किसी आपके कोई मेन वर्कर है, किसी को खुशी आ गई या गमी आ गई तो आपको उसको जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप छोड़ दें, मिस कर दें। कभी कोई शौक रहा, मौसीकी का शौक रहा सुनने? सर काले टाइम में क्रिकेट भी खेलते, सब कुछ करते रहे क्रिकेट। अच्छा, चले कुछ तो यानी कि निकला ना, यानी कि क्रिकेट खेलते थे। दो वारियां लेंदे सन, क्यों बैट गेंद देना था हुंदा सी ना। तुम तो बिल्कुल ही ना अगले बेचारे का इमेज ही बिल्कुल चेंज कर देते हो। उनको क्रिकेट वगैरह का शौक था, तो कॉलेज लाइफ में होता है हर किसी। अच्छा, तो क्या सर, क्या दयाल सिंह कॉलेज में करते थे? और सर फिर यहाँ तो वैसे उस जमाने में लोग फिल्में वगैरह ही बड़ा देखा करते थे, ज्यादा स्टूडेंट्स। आपके सेल में अब तो सारे बर्बाद हो गए, तो बड़े आबाद थे सेल में। कोई उस जमाने का आपका कोई फेवरेट एक्टर वगैरह या कोई थे? बेशुमार एक्टर मोहम्मद अली साहब थे। मोहम्मद अली साहब जबरदस्त, मोहम्मद अली साहब के। और मैडम आप तो पेंटिंग पढ़ती रही हैं अपने आखिरी फाइन आर्ट्स का, तो अभी भी आप करती हैं पेंट वगैरह या सब? हाँ, घर में कभी कभी जब टाइम मिलता है तो मैं जरूर अपना टाइम जरूर रखती हूँ किताबें पढ़ने के लिए, या अपना कोई भी अगर हम लोग सीरीज वगैरह देखते हैं, बट मैं अपना एक वक्त रखती हूँ घर में कि मेरे पास ये टाइम होना चाहिए। शूट भी मैं बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, अगर 2 महीने शूट किए तो आई टेक 2 मंथ्स ऑफ के अच्छा घर में आराम से। अच्छा, हाँ पेंटिंग भी कर ली, वॉक करती हूँ, बहुत सारी चीजें करती हूँ। आप तो जिम विम भी बड़ा खतरनाक किस्म का करती हैं। वैसे पिछले दिनों में क्योंकि ये सीरियल हो रहा था, अभी एक और हो रहा है संगे माँ, तो वो उसमें मेरी शूट से इतनी ज्यादा मैं बिजी रही कि आई कुड नॉट, वो भी थोड़े बीमार थे, तो मैं इस्लामाबाद कराची लाहौर, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकी, तो भूल गई थी। मैंने सिर्फ एक्सरसाइज की बात की थी। अब मैंने कीटो शुरू किया, एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू द जिम, आई स्टार्टेड कीटो, सो होपफुली आई एम होपिंग कि बहुत जल्दी मैं बहुत वापस पतली हो जाऊंगी। सर टीटो टीटो पार्टी क्या? टीटो पार्टी नहीं होती, डाइट होती है। अच्छा 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 अच्छा, कीटो देसी मक्खन घी खाते हैं, वो सब बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि खाओ देसी खुराक खाते सही हो जाओगे। बेसिकली जो आपके गांव में हमेशा हो रहा होता है। नहीं लेकिन ये वो तो टीटो करते हैं ना, अकरम भाई टिंडो करते हैं। नादिया मैम आप डायरेक्शन भी करती हैं? किया था अभी सोप कुछ अर्सा पहले, लेकिन फिर उसके बाद बहुत अर्से से ब्रेक आ गई है। देर इज समथिंग दैट आई एम प्लानिंग टू डू, बट अभी है, अभी थोड़ा टाइम है उसमें, अबाउट अ कपल ऑफ मंथ्स। अच्छा वैसे मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल डायरेक्टर्स काफी कम है। नहीं काफी ज्यादा है। क्या बात, सवाल होगा कोहराम मच जाएगा, सवाल करने वाला है। नहीं उसका सवाल है भाई, वो उनको नहीं जानती तो वो इसलिए वो पूछ रही है कि कितनी फीमेल डायरेक्टर्स हैं। लेकिन है और कर भी रही है, और बहुत सारी अब आगे आ भी रही है। लॉट ऑफ बच्चा जो पढ़ रहे हैं, पहले तो इतना ट्रेंड नहीं था, डॉक्टर इंजीनियर बनना होता था या MBA कर लेते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग फिल्म मेकिंग और मीडिया रिलेटेड कोर्सेज और पढ़ रहे हैं कॉलेजेस वगैरह में, और बाहर भी जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, अभी मैंने 2-3 नई बच्चियां उनका मैंने काम किया है, वेब सीरीज बनाए हैं उन्होंने, फिल्म मेकिंग पढ़ के आई हैं बाहर से। सो वी गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फीमेल डायरेक्टर्स एंड यंगर लॉट से बहुत सारे बच्चे काम करे, जो कि बहुत अच्छी। वैसे आप अक्सर पूछती रहती हैं एक्टिंग का इनको शौक है, तो ये कहती है कि मैं कैसे करूं, तो आप इनसे पूछें, आपको बेहतरीन जवाब यहां से मिलेगा। बेसिकली पहले तो फर्स्ट स्टेप है कि मैंने लर्न करनी है, उसके बाद ही जाना है, तो वो मैं कैसे करूं, कोई टिप्स? अच्छा, या तो तुम ऑनलाइन कोर्सेज कर लो, बहुत सारे ऑनलाइन, और भी जो लोग सुनना चाहते हैं मुझसे अक्सर लोग पूछते भी हैं ऑनलाइन कोर्सेज, फिर हमारे पास नापा है, हमारे पास यहाँ लाहौर में ओलोमो पोलो है, तो इस तरह की आप जगहें ढूंढें एंड लर्न टू एक्ट इफ यू कैन गेट अ चांस टू डू थिएटर। थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। मैंने पहले मैं एक्टिंग करती थी टीवी पे जब शुरू की थी, तो इतना फिनेस नहीं था, काम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर मैंने थिएटर किया, वासे भी था हमारे सबसे पहले वाले थिएटर, शुरू वाला सारा काम इन्होंने मेरे साथ ही किया, जिसके बारे में इन्होंने कहा अच्छा नहीं था। नहीं वासे उसके बाद का था, आपको बहुत कुछ सीखना होगा, उसमें चांस मिले कहीं पे थिएटर पढ़ने का सीखने का टू डू दैट। एक्टिंग अगर बाहर नहीं जा सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कम है, लेकिन कोशिश करो कि ऑनलाइन बहुत सारी टीचिंग क्लासेस होती हैं, लर्न दैट एंड इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट अपना तुम बना लो, अब तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं और इंस्टाग्रामर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने सारे अब टीवी पे, अब मैं देख रही थी आधे से ज्यादा ड्रामों में
दे लुक फॉर पीपल जिनकी फॉलोइंग है और जो टिकटॉकर्स हैं उनको कॉल करते हैं और उनको ड्रामे में वो एक्टिंग करा लेते हैं. अब कितने सारे हैं सारे बच्चे जो इंस्टा स्टार्स थे और वो अब एक्टिंग कर रहे हैं. तो अपना इंस्टाग्राम जी आप कुछ नादिया जी जी कोई भी एज एन एक्टर 10-12-15 साल काम किया हो उसके बाद डायरेक्शन कर लेनी चाहिए कि उसके लिए फिर आपको डायरेक्शन एक बार किसी को असिस्ट करना चाहिए. डायरेक्शन अगर शौक है और उस तरफ थोड़ा सा टैलेंट है डायरेक्शन का, नॉट एवरीबॉडी कैन बी अ डायरेक्टर. लेकिन अगर आपको शौक है और आप करना चाहते हैं और आप मेहनत कर सकते हैं और आपको थोड़ी बहुत समझ है उसकी तो फिर करना चाहिए. ये तो नहीं कि आप हर एक्टर 15 साल के बाद सोचेंगे मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा. हालांकि आ जाता है आपको स्किल है एक, लेकिन फिर भी शौक तो होना बहुत जरूरी ना. अच्छा डायरेक्टर तो वही होता है जिसको उसके पास स्किल भी हो और फिर उसको शौक भी हो. हुन तड़ा सवाल हो गया, तुसी 10 मिनट आखा ला लो. Good, how are you? You know, I am very disheartened today. Why so? Somebody betrayed again. Oye, kaun? Sade mohalle de vich na ik jadugar ji aaya hai. Acha. Kehnda main tumhare paise double karke deta hu. Theek hai. Oh, ek topi itthe rakhe. Ohde ch ik banje ne 1000 rupaye rakhe hai. Ohne dooji topi utthe rakhi hai. Ohne padhya te kehnda jao ja ke palli topi se apne 2000 le lo. Theek hai. Oh nikla aaye. Acha. 5-6 bande ne kraye. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੇ 8000 ਹੈਗੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ. ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੋ. ਮੈਂ ਐਸੇ ਰੱਖੇ ਉਸਮੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਉਸ ਟੋਪੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਲ ਲਓ. ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਟੋਪੀ ਖਾਲੀ. ਓਕੇ. ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਨਾ ਟੋਪੀ. 8000 ਮੇਰੇ ਲੈ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ. ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ. ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕੱਟ ਕੇ. ਅੱਛਾ. ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ 8000. फरदौस आशिक जमान है. बाजी ते तुहाडे तो भी वध ने. बाजी नूं उधर पाओ. थैंक यू सर. तुहाडी हुकूमत आई कि आई. बाजी को कोई गाना नहीं सुनाया, उनको सुना दिया. बाजी नु सुनाने. बाजी दा मैं एक गाना देखा हुआ. अच्छा. यस. बाजी दे ड्रामे भी मैं देखे ने. हाँ. अच्छा. एक जगह बिल बोर्ड ते बाजी दी फोटो लगी सी. अच्छा. ओ मैं बिल बोर्ड वेने वजा कंध च वजा दो. अच्छा. यस. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਂ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਂ. ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣੀ ਸਾਂ. ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣੀ ਸਾਂ. ਤੇਰੀ